एक बहुत बड़ी कहानी कराई हुई है जी मदूदी साहब कुरान पाक में तफसीर कुरान में जगह जगह लिखते हैं मैं कहता हूं कहते हैं देखो जी ये कहते हैं मैं कहता हूं पुराने बुजुर्गों को नहीं मानते सर वो पंद्रह बीस बीस भी सफों की बहस करते हैं जहां पर फिकी अख्तिलाफ़ हैं उसमें वो लिखते हैं इसमें इमाम मालिक की राय है इमाम शाफी की यह राय है इमाम ररीफा की राय है इमाम बुखारी की यह राय है और एहले तशैयो के यहां ये पाया जाता है एहले सुन्नत के यहां ये पाया जाता है करते 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 एंड में वो लिखते हैं मैं ये कहता हूँ कि इस मसले में इमाम शाफे की राय मजबूत है वो ये नहीं कहते मैं ये कहता हूँ कि मेरी राय ये निकालें तभी तो फी मुल कुरान से तो सर ये तो आप हम सब कर रहे हैं अगर पांच बातें छह बातें आपके सामने आए और पांचों छः बुजुर्गों से आ रही हों उनमें से आप किसी एक बुजुर्ग की बात को कहें कुरानो दिस के ज्यादा करीब है तो इसमें आप ये कह रहे होंगे कि मैं ये कहता हूं जिस तरह मेरे भी एक वीडियो रिकॉर्डेड है कि मेरे नजदीक औरत को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता इस मसले में इमाम मुनीफा की राय सही है इमाम शाफी की गलत है क्लिप चढ़ा हुआ और बाकी कई इश्यूज के ऊपर मैं इमाम मुनीफा की राय को गलत मानता हूं इमाम शाफी की राय को सही मानता हूं इसका यह मतलब नहीं कि वो मैं अपनी राय दे रहा हूं मैं उन इमामों में से किसी एक की राय को बेहतर समझ रहा हूं तो मोदूदी साहब एंड पे जब एनालिसिस करके कहते हैं मैं कहता हूं

है तो पूरी की पूरी ब्रेलवी साहब ने आठ सौ आठ से सौ साल पहले फारक कर दी कह के तो, तो खुद गुस्तायर हाँ। तो तो है ना ब्रेलवी ज्यादा जब ज्यादा का इमाम कह दे कि ये थोड़े वाले हैं तो उन थोड़े वालों को अपने से थोड़े वालों को गुस्ताख कहने की अथॉरिटी नहीं रहती सर ये ठेका तो ब्रेलवियों के पास है ठीक है और ये था अब ये कहीं और है किधर है ठीक है, मैं मैं है हम सबको इस टेस्ट के ऊपर पेश करेंगे जिसकी जो गुस्ताखी निकलेगी मस्ता सेवेंटी वन बी इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की उन्नीस गुस्तखाना बारात का तहकी जायजा वो आप देख लें ठीक होगा